बैजनाथ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में अस्थि कलश रखा गया। पूर्व विधायक किशोरी लाल ने बताया कि आज पूरा दिन पार्टी कार्यालय में प्रांगण में लोगों के दर्शनों के लिए अस्थि कलश रखा गया है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से अस्थि कलश विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी, जो कि पार्टी कार्यालय से शुरू होकर बैजनाथ बाजार से होते हुए खीर गंगा घाट तक जाएगी। कल जो हमारा यहाँ प्रोग्राम है, कल हम हमारे जो तिरंगा घाट है वहाँ अस्थि कलश का हम विसर्जन करेंगे, तो उसमें भारी संख्या में इलाका के लोग आएंगे। तो मेरी सभी इलाका वासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपने सरदार सुमन स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को संपर्कित करें तथा उनका जो अस्थि कलश है उसे जल में डुबा दें। उधर बड़सर उपमंडल के सलोनी व भोटा में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं व महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। ऐसे ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश जिला सिरमौर के नौहराधार पहुंचा। नौहराधार क्षेत्र की जनता ने नौहराधार बाजार पहुंच उनके अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं विश्राम गृह ज्वाली में प्रदेश कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष दिलावर सिंह छोटू के नेतृत्व में पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन भी रखा। असंख्य सैकड़ों जो है जो मैं नाम लेना लगूंगा तो हमें तो समय लगेगा, कहना चाहता हूँ कि उस महान शख्सियत के लिए हमने हर जगह पे जो है वो श्रद्धांजलि देने का प्रयास इसीलिए रखा कि लोगों द्वारा जो है उस महान आत्मा को याद किया जाए और जो चीज़ हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर एक छोटे व्यक्ति तक भी पहुँचे कि राजा साहब ने इस हिमाचल को बनाया है। आज डॉक्टर भाई एस परमार को यदि हिमाचल का निर्माता कहा जाता है तो राजा वीरभद्र सिंह जी आधुनिक हिमाचल के निर्माता। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश के जोगिंदरनगर पहुंचने पर यहां कांग्रेस भाजपा सहित माकपा नेताओं ने पुष्प चढ़ाए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नगरोटा सूर्या में राजा वीरभद्र सिंह की अस्थि कलश को लाया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद चंद्र कुमार की अध्यक्षता में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चय सिंह गुलेरिया जी व नगरोटा सूर्या बैल के सभी कर्मठ कार्यकर्ता व ज्वाली से राजा वीरभद्र सिंह का नाम है और उस महान नेता को जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश में ना केवल विधानसभा ज्वाली में बल्कि पूरी ठाठस विधानसभा सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हमने एकजुट होकर के राजा जी को सच्ची श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से विजय दिलाना है, प्रोफेसर चंद्र कुमार जी को एक बार विधानसभा बजाना है, ये हमारा सबका आज लक्ष्य है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है राजा वीरभद्र सिंह को। आप सब लोग इस समारोह में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।